आइए फिर से आपका स्वागत है फिक्र बदन के उपचार में। क्या होता है कि सभी तरह की मैंने अभी तक बातें बताई, जिसमें एनिसेटाइज कंडोम्स है, एनिसेटिक क्रीम है, फिर दवाइयां हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक है, स्क्विज टेक्निक मतलब सेंसिटिव फोकस है, फीमेल सुपीरियर पोजीशन है, कीगल्स एक्सरसाइज है, ये सब कंबाइन आप कर सकते हैं। इसमें और एक है जिसको बोलते हैं पेनाइल रिंग्स या पेनिस रिंग्स। इसमें क्या होता है कि एक रिंग आती है, वो बहुत टाइट पेनिस के बेस पे लगाने का है, इतनी टाइट लगाने का है कि वहाँ से इरेक्शन ना हो जाए। ये पेनाइल रिंग्स रेडीमेड मिलती है। वो पेनाइल रिंग से क्या होता है कि कुछ रिंग ऐसी होती है कि एकदम वो टाइट बैठती भी है, कुछ रिंग ऐसी होती है कि टाइट बैठती है, उसके साथ में ऊपर एक ऐसा बटन जैसा रहता है कि उसे ट्र ऐसा हिलते रहता है। अब जब आप अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो बटन जो है वो ऐसा यहाँ क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट करेगा, मतलब अंदर से आप कर रहे स्टिमुलेट, इधर ये बटन क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट कर रहा है जो वाइब्रेट हो रहा है, और इसमें औरत का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आपको मतलब दोनों को फायदा होगा, दोनों का एक्साइटमेंट सही समय पे होगा। पेनाइल रिंग यदि बहुत टाइट है तो फिर जल्दी गिरेगा नहीं और आप लंबे समय तक चल सकते हैं। तो देखना है कितनी टाइट करना है, कितनी रखना है, ज़्यादा समय भी रखना नहीं है, नहीं तो ज़्यादा समय रखेंगे और ब्लड ज़्यादा समय तक आप रोक पाए अंदर या रोक रहे अंदर, तो पेनिस को कुछ गड़बड़ हो सकती है, बीमारी हो सकती है, इजा हो सकती है। क्योंकि क्या है कि एक 2.5-3 घंटे के बाद में यदि पेनिस इरेक्ट ही है और ढीला नहीं हो रहा है तो फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, और 4 घंटे के बाद में यदि पेनिस ढीला नहीं है, टाइट का टाइट ही है, तो फिर आपको तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उसका इलाज करना पड़ेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।